नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आखिरकार जो है आचार संहिता, जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन काफ़ी जो युवा हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बजट सत्र 23-24 के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा 1 लाख पदों पर जो घोषणा की गई थी, उसमें से सभी युवाओं को जो है निराशा हाथ लगी। और इस वीडियो के तहत आपको आचार संहिता ने जो 16,000 पदों की भर्तियां अटकाई है, जी हाँ 15 भर्तियां, वो कौन कौन सी हैं, कितने कितने पदों पर वो भर्ती निकलने की संभावना थी, लेकिन सभी युवाओं को आखिरकार निराशा हाथ लगी। इस वीडियो के तहत उसके बारे में अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा और भी शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की सभी अपडेट इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर शिक्षा विभागीय आदेश के अलावा रिजल्ट, आंसर की दैनिक समाचार, रोजगार समाचार और विभागीय योजनाओं की रेगुलर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के तहत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। यह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर नौकरी के सपने पर ब्रेक, भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतजार। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां, अब नए साल में होगी शुरू। जी हाँ, 16,000 पदों की जो है 15 भर्तियां अटकाई है। कौन कौन सी भर्तियां हैं उसकी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो के तहत दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते युवाओं के सरकारी नौकरी पाने को जो है उसके सपने पर ब्रेक लग गया। अब नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आचार संहिता के कारण 16,333 पदों की 15 भर्तियां अटक गई है। युवाओं को अब इन भर्तियों के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। जैसा कि आपको पता होगा, राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले 23 नवंबर की थी, लेकिन कल संशोधित डेट जो है फाइनल हो चुकी है। 25 नवंबर को अब इसके चुनाव होंगे। इस कारण उन्हें 3 से 6 महीने तक इंतजार करना होगा। दिसंबर में प्रदेश में नई सरकार बनेगी। इसके बाद नई सरकार ही इन भर्तियों का भविष्य तय करेगी। प्रदेश के बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियां निकालने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। भर्तियों के अटकने से उनमें आक्रोश है। जी हाँ साथियों, सभी युवा इससे परेशान हैं। उन्होंने भर्तियों में देरी के लिए अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराए। वे अगर भर्तियां निकालने को लेकर तेजी से काम करते तो आचार संहिता से पहले भर्तियों की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती थी। जी हाँ, विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के कारण जो है इतनी सारी भर्तियां जो है आचार संहिता में उलझ चुकी हैं। अब जानते हैं कितने कितने पदों पर और कौन कौन सी भर्तियां अटकी है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इससे पहले 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट घोषणा भी पूरी नहीं। इस साल बजट में सरकार ने 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन ना तो इनका वर्गीकरण जारी किया गया और ना ही सरकार ने यह बताया कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन यह भर्तियां 1 लाख में शामिल है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। इसलिए बेरोजगार युवा 1 लाख पदों पर भर्तियों का भी इंतजार कर रहे थे। अब जानते हैं इसमें कौन कौन सी भर्तियाँ अटकी है। देख सकते हैं यहाँ पर कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती, LDC के 3,886, स्कूल व्याख्याता के 2,000। जैसा कि आपको पता हो साथियों, 2,000 पदों पर स्कूल व्याख्याता के और वरिष्ठ अध्यापक के 1,000 पदों पर यह इसकी जो फाइल है वित्त विभाग को पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी इनकी विज्ञप्ति जो है जारी नहीं हो सकी। इसके अलावा लाइब्रेरियन के 800, राजस्व विभाग के 2,998 पदों पर पटवारी भर्ती, नायब तहसीलदार के 225 पद, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर के 176, महिला बाल विकास विभाग के 209, जल संसाधन में पटवारी के 272 पद और जिलेदार के 7 पद, सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335 पद, JEN के 524 पदों पर और AEN के 737 पदों पर, पंचायती राज JEN 550 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अटक गई है। तो देख सकते हैं ये 15 विभागों की जो भर्तियाँ थी 16,333 पदों पर यह आचार संहिता में अटक चुकी है। इनमें से कई भर्तियों की अभ्यर्थना संबंधित भर्ती एजेंसी के पास पहुंच गई थी, तो कुछ की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर भी भर्तियां होनी है। इनका मामला भी अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं उपेंद्र यादव अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, उन्होंने क्या कहा, और आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उन्होंने क्या कहा। हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से भर्तियां अटक गई। इससे युवाओं में आक्रोश है। अब इसको लेकर सरकार को सबक सिखाएंगे। जय साथियों, तो ये तो उन्होंने अपडेट दी है। इसके अलावा आलोक राज अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रदेश में आचार संहिता लगी इसलिए नई भर्तियां नहीं निकाली जाएगी, जो भी काम होगा आचार संहिता के दायरे में रहकर किया जाएगा। ये इन्होंने अपडेट दी है। देख सकते हैं साथियों, काफ़ी युवाओं को जो है निराशा हाथ लगी है। आचार संहिता में लगभग इतनी सारी भर्तियां अटक चुकी है। अगर विभाग इस पर सही तरीके से, विभाग के कर्मचारी थोड़ा तेज़ी से काम करते तो इन सभी पदों पर भर्तियाँ निकल सकती थी, लेकिन आप देख सकते हैं अब इन सभी युवाओं को अगली सरकार के गठन जो कि दिसंबर तक हो जाएगा और उसके बाद में लगभग 3 से 6 महीने तक जो है इंतजार करना होगा नई भर्तियों की प्रोसेस आगे सुचारू रूप से होने के लिए। आज की अगली अपडेट यहाँ पर एनटीए ने घोषित किया अगले साल का कैलेंडर, अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मिलेगा पूरा मौका। देख सकते हैं, जानिए साल 2024 में कब कौन सी बड़ी परीक्षाएं होगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा अपडेट। जेई मैन फर्स्ट 24 जनवरी से 1 फरवरी तक, जेई मैन सेकंड 1 से 15 अप्रैल तक, नीट यूजी 5 मई तक, सीयूईटी यूजी 15 से 31 मई तक, सीयूईटी पीजी 11 व 28 मार्च तक और यूजीसी नेट फर्स्ट 10 से 21 जून। ये है एनटीए की ओर से घोषित अगले साल का कैलेंडर। तो साथियों, अभी की यही अपडेट इस वीडियो के तहत। उम्मीद है साथियों आपको हमारे द्वारा दी गई अपडेट पसंद आए होगी, लेकिन साथियों शिक्षा विभाग और संबंधित राजस्थान सरकार की लापरवाही, विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इतनी सारी जो है भर्तियाँ अटक चुकी है आचार संहिता में। तो 3 से 6 महीने का इंतजार करना होगा, उसके बाद में नई सरकार के गठन के बाद इन भर्तियों की जो है प्रोसेस शुरू हो पाएगी। तो साथियों आज की यही अपडेट थी इस वीडियो के तहत। इसके अलावा साथियों शिक्षा विभाग से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बात करें एमजीजीएस में पदस्थापन को लेकर के, तो साथियों इसके लिए भी जो है विभाग ने काफ़ी कुछ गठित हुआ है। इसमें विशेषकर नॉन टीचिंग स्टाफ और लेवल सेकंड की अगर बात करें तो उनके लिए तो एक बहुत वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकें, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ घटित हुआ। इसमें विभाग ने जिस प्रकार से आवेदन लिए और आवेदन लेने के बाद में उनकी जो पदस्थापन की प्रोसेस की, रीट भर्ती के अभ्यर्थियों से पद भर लिए गए और वो पद भर जाने के बाद में जो शेष रहे उन पर उनको नियुक्ति दी गई। तो बहुत कुछ घटित हुआ है एमजीजीएस की पदस्थापन की प्रोसेस में भी। देखते साथियों अब क्या अपडेट निकल करके आती है एमजीजीएस में पदस्थापन को लेकर के, उसकी भी अपडेट आपको हमारे अन्य वीडियोज में जैसे भी कोई अपडेट आएगी आपको अवश्य सूचित किया जाएगा। साथियों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।